सब्सक्राइब करें हिंदी एजु सपोर्ट चैनल को और इसके सामने दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। हाउडी, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके पसंदीदा हिंदी एजु सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं महाडब्ट स्कॉलरशिप के बारे में। एससी स्टूडेंट जो कि शेड्यूल कास्ट है वह अपने लिए स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी योजना के लिए अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो कि स्पेशली एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए दी जाने वाली होती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम आपको बताते हैं एससी कैटेगरी एससी प्रवर्ग शेड्यूल कास्ट के लिए आपको स्कॉलरशिप किस प्रकार से भरना है। अनुसूचित जाति भी मराठी में कहा जाता है, अनुसूचित जाति मराठी में होता है एससी और अनुसूचित जमाती होता है एसटी कास्ट। तो अनुसूचित जमाती की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति यानी कि एससी शेड्यूल कास्ट नवबौद्ध जिसे आप कह सकते हैं उनके लिए यह स्कॉलरशिप योजना है। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको भरना है शेड्यूल कास्ट का महाडब्ट स्कॉलरशिप फॉर्म। तो सबसे पहले आपको महाडब्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर आप अगर आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में अपना लॉगिन करना होगा। अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन पहले नहीं किया है तो आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसका वीडियो हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आशा करते हैं आपका पहले से लॉगिन अवेलेबल होगा। आपको अपने डिटेल्स एंटर करनी है। हम शॉर्टकट में वीडियो को आगे बढ़ाना चाहेंगे क्योंकि वीडियो को खाली पीली की बड़ा करने की हम नहीं सोच रहे हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द समझ में आ जाए और हमारा डाटा भी बच जाए और समय भी बच जाए और आपका भी समय बचा रहे। लॉगिन करने के बाद आपको आगे जाना है। जैसे आप आगे जाएंगे एक बात खास तौर से आपको समझ लेनी चाहिए, जरूरी है आपके प्रोफाइल डिटेल्स। अगर कोई योजना आप एलिजिबल होकर भी आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, मतलब आपने अपने प्रोफाइल डिटेल्स में कोई गलती की है, अपने प्रोफाइल की जो जानकारी है वह भरने में आप कहीं पर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने प्रोफाइल डिटेल्स में जाइएगा और वहां पर जो सभी स्टेप्स है, छह स्टेप्स, वह सारे छह स्टेप्स आपको ध्यान पूर्वक भर लेने हैं। और ध्यान रहे वहां पर आपने अपनी कैटेगरी जो है वह शेड्यूल कास्ट दिखाई है या नहीं, एससी कास्ट दिखाई है या नहीं, वह भी आपको देख लेना होगा। अगर आपने वह सक्सेसफुली एससी कास्ट दिखाया है इसका मतलब आप स्कॉलरशिप योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट डिटेल्स एससी शेड्यूल कास्ट यहाँ पर हमने भरा हुआ है और जो कास्ट आपकी होगी आपको वहां पर वही ऑप्शन चुनना होगा। तो आपको प्रोफाइल डिटेल्स कैसे भरनी है यह पता होगा, अगर नहीं पता है तो हमने इसके लिए भी पहले एक वीडियो बनाया है। संपूर्ण प्रोफाइल आपको किस प्रकार से भरनी है, प्रोफाइल कंप्लीटनेस किस प्रकार से करना है, इसका वीडियो हम YouTube के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहे हैं। आप अगर नहीं जानते तो उसे एक बार ध्यान से जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा और तुरंत आप अप्लाई कर सकेंगे। चलिए आपकी अभी प्रोफाइल डिटेल्स का भी पूरा कोर्स हो गया है, आपके सारे के सारे छह जो स्टेप्स है वह भी आपने भर लिए होंगे ऐसा मानकर हम चलते हैं। तो अब देखते हैं आपको कौन सी स्कीम्स के लिए अप्लाई करना है, आपको कौन सी स्कीम के लिए कौन सी योजना के लिए अप्लाई करना है। यहाँ से आप दाई तरफ देखिएगा, यहाँ पर बाई तरफ देखिएगा, यहाँ पर ऑल स्कीम्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर ऑल स्कीम्स पर क्लिक करेंगे यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक स्कीम्स नजर आएंगी। यहाँ से आपको डिपार्टमेंट का चुनाव करना है। ध्यान रहे शेड्यूल कास्ट जो है शेड्यूल कास्ट एससी कैटेगरी के लिए आपको सोशल जस्टिस एंड स्पेशल असिस्टेंट डिपार्टमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप योजना का लाभ मिलता है। आपको वही लास्ट में जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है सोशल जस्टिस एंड स्पेशल असिस्टेंट डिपार्टमेंट, आपको वह चुनाव करना है। उसके बाद स्कीम नेम में जाना है। स्कीम नेम में आपको सबसे पहली स्कॉलरशिप दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, आपको वह चुनना है। ध्यान रहे नीचे बाकी जो अदर स्कॉलरशिप्स है आपको वह कोई नहीं चुननी है। आप अगर इसमें एलिजिबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप तो उसके लिए अप्लाई करें। अगर मेंटेनेंस अलाउंसेस में आते हैं प्रोफेशनल कोर्सेस में तो वह इसका ऑप्शन ले सकते हैं। बाकी जो डिसेबल्ड पर्सन होंगे वह ये ऑप्शन ले सकते हैं। बाकी जो फ्रीशिप योजना के लिए अप्लाई है, मतलब जिनका 2 लाख के अलावा उससे ज्यादा 2 लाख से ज्यादा की इनकम है वह फ्रीशिप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, पोस्ट मैट्रिक ट्यूशन फी एंड एग्जामिनेशन फी फ्रीशिप का। और लास्ट में एक और योजना रहती है एससी मेरिट स्कॉलरशिप की, राजर्षि छत्रपति
शाहू महाराज मेरिट स्कॉलरशिप की। तो आप एससी शेड्यूल कास्ट की महाडिबिट स्कॉलरशिप चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो रेगुलर है, 2 लाख के अंदर आपका इनकम सर्टिफिकेट है, तो आपको पहली ही योजना स्कीम नेम में लेनी है और सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपके लिए सही योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सोशल जस्टिस एंड स्पेशल असिस्टेंट डिपार्टमेंट एससी कैटेगरी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आ जाएगी महाडिबिट स्कॉलरशिप की योजना, जो कि आपके लिए 8 जनवरी 2019 से स्टार्ट हो चुकी है और एंड होने वाली है 10 अक्टूबर 2019 को। टेक एक्शन में आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, आपके लिए लास्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन में आपको ज्यादा कुछ भरना नहीं है, यह अंतिम स्टेप आपके लिए है। यह अभी अंतिम स्टेप में आपको सिर्फ 4 से 5 डिटेल्स पूछेगा, आपका एप्लीकेशन रिन्यूअल है या नहीं, यस और नो पर चुनना है। यस हो तो यस करें और एप्लीकेशन आईडी दर्ज करें, अगर नो है तो नो पर क्लिक करें अगर फ्रेश एप्लीकेशन आपका है। आपको सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। अगर अपलोड सेल्फ डिक्लेरेशन इफ एप्लीकेबल, अगर आपके पास सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसे अपलोड कर सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में इसके लिए भी एक लिंक दे दिया है, हमने इस पर भी एक वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है, आप उसे अपलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर हस्बैंड इनकम जो है वह अटैच करना होगा, अपलोड करना होगा। अगर कोई शादीशुदा गर्ल अप्लाई कर रही है तो उसे यहाँ पर वह अपलोड करना आवश्यक है, अदरवाइज इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लास्ट में आपको टीसी और एलसी अपलोड करना है। वह अपलोड करने के बाद आपको सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे, आगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट करने की एक विंडो ओपन होगी और उसे सबमिट पर क्लिक करना है आपको, जिसके बाद आपका स्कॉलरशिप फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा शेड्यूल्ड कास्ट एससी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सोशल जस्टिस एंड जो स्कॉलरशिप योजना है सोशल जस्टिस की, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? हमें लगता है आपको आज के वीडियो से पूरी जानकारी मिल गई होगी सोशल जस्टिस एंड स्पेशल असिस्टेंस डिपार्टमेंट की जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि शेड्यूल्ड कास्ट एससी और नवोदय छात्र अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सभी एससी शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति छात्र इसका लाभ ले सकते हैं, नवोदय छात्र इसका लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के बाद में लाइक भी करना चाहिए, क्योंकि लाइक अगर आपके द्वारा मिलते हैं तो हमें और ज्यादा प्रेरणा मिलती है और आपके लिए और से ज्यादा जानकारी क्वालिटी के साथ में हम देने का प्रयास करते रहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की जानकारी आपको अन्य किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी जो कि इतनी ज्यादा सबसे पहले अपडेटेड होती है। तो इतना था इस वीडियो में, हमें विदा दीजिए, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।